स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू द न्यू टॉपिक. सो अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री, एंड द चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ओके, सो हियर इन दिस चैप्टर वी विल यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ओके, सो जो बच्चे अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट दे दिया हूँ पहले से ही. जस्ट हमने 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट किया है, तो पहले जाके उसका कॉन्सेप्ट पहले बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है, तब जाके हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे. ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत कुछ ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे यूज नहीं होगा. बहुत जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज दैट यू हैव टू यूज इन आवर दिस टॉपिक, ठीक है. तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा दो चीज हमको सीखना पड़ेगा. पहले दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये चैप्टर में, वो दो चीज को पहले हमको सीखना पड़ेगा, देन आफ्टर we'll proceed to the chapter. okay, so the name of the chapter is application of trigonometry, chapter 9, content number 1. यहाँ पे दो ही content मिलेगा. actually मैं सोच रहा था एक ही content में complete कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि इतना बड़ा करने से video बहुत ही lengthy हो जाएगा, क्योंकि एक एक question समझने में question इसका बड़ा बड़ा होता है, ठीक है. solve बहुत ही simple से हो जाएगा अगर concept हम clear होंगे, लेकिन question बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए उसको पढ़ के उसको समझ के उसका फिगर बनाने के बाद ही हम कुछ प्रोसीड करेंगे, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर फिगर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फिगर अगर हम थोड़ा से भी उलट पुलट कर दिए देन आवर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है. तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे और कहाँ कहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे, कहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन यूज करेंगे, कौन सा क्वेश्चन में कैसा टाइप का हम सॉल्व करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर नंबर 9 ऑफ स्टैंडर्ड 10, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट टॉपिक. सो हियर देयर आर मेन टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर, ठीक है. दो ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जिसको हमको रिलेट करके हमको ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है. ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तो हमको पता है व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, कहाँ पे हम कैसे करते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. इन द कॉन्टेंट नंबर 1 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आर देयर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. सो बट बिफोर गोइंग टू दैट चैप्टर, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट्स. वन इज देयर आर टू एंगल्स. ओके, देयर आर टू एंगल्स. वन एंगल इज सेट टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अनदर एंगल इज सेट टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. तो दोनों ही हमारे लिए न्यू है पूरा, तो बहुत ध्यान से जाएंगे किसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, कौन सा एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है. एंगल तो हमको पता है एक लाइन होता है और एक लाइन के अंदर जो जितना वो रोटेशन मेक करता है उसको हम एंगल ही बोलते हैं. तो यहाँ पे वही एंगल को हम कहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, कहाँ पे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, बहुत ही ध्यान से मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दो ठो तुम लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाने का ट्राई किया है. आई डोंट थिंक इसको देखने के बाद और कुछ डाउट रहेगा, फिर भी अच्छे से समझ जाते हैं. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, एनी बच्चा खड़ा है. यहाँ पे एक पोल है और पोल यू कैन से वन टावर इज देयर. ओके, यहाँ पे एक टावर है. तो ग्राउंड हियर इज द ग्राउंड लेवल. सो दिस इज द ग्राउंड लेवल. ओके, जहाँ पे वो खड़ा है दिस इज द ग्राउंड लेवल. हियर इज द ग्राउंड लेवल. ओके, नाउ यहाँ से वो देख रहा है, तो देखने से जो पूरा सीधा जो देखेगा ये जो लाइन होता है ये कौन सा लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. एंड दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू दैट ग्राउंड. तो हम एंगल कहाँ से मेक करेंगे, मतलब काउंट करेंगे उसके आय से काउंट करेंगे. जो देखेगा मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरा आय से वो कॉन्टैक्ट होना चाहिए. दैट एंगल शुड बी फॉर्म फ्रॉम माई आई, ठीक है. तो यहाँ पे दैट लाइन इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन. सपोज मान लो ऊपर देख रहे हैं, पूरा टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो, दिस इज द टावर. ओके, सो हियर फ्रॉम ए गाय और बॉय दैट ही इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर. ओके, एट सम एंगल. सो दैट एंगल फॉर्म्ड बाय दैट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हिज हॉरिजॉन्टल लाइन टू द लाइन ऑफ साइट, दैट लाइन इज सेड टू बी लाइन ऑफ साइट. मतलब जैसे वो देख रहे हैं पूरा सीधा ही देखेगा, ऐसे कर्व थोड़ी देखेगा वो, यहाँ से देखेगा टॉप का, मतलब एक ये जो एक लाइन में देखेगा दैट लाइन इज सेड टू बी लाइन ऑफ साइट. तो वो लाइन ऑफ साइट दैट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना डिग्री और जितना एंगल फॉर्म करता है दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. एक बच्चा खड़ा है,
और एक आदमी खड़ा है, वो एक जगह से खड़ा होकर थोड़ा दूरी में एक टावर है, टावर का टॉप को देख रहा है, तो टॉप को देख रहा है, दैट लाइन इज सेट टू बी लाइन ऑफ साइट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो मेक कर रहा है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सो द एंगल बिटवीन दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विथ द लाइन ऑफ साइट इज सेट टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर में देख रहा है एलिवेशन होगा, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम नीचे में ट्राई करेंगे, मतलब यहाँ पे वो एक एक बॉक्स के ऊपर खड़ा है, एक लड़का एक बॉक्स के ऊपर खड़ा है और टावर यहाँ पे है, टावर इतना तक है, तो उसका लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा होगा, उसके आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये जो लाइन होगा ये किसके साथ पैरेलल होगा, ग्राउंड के, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंड था, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये भी ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हो गया अभी, लेकिन वो ऊपर नहीं देख रहा, वो क्या कर रहा है ना, बिलो द टावर, मतलब उसका डाउन पार्ट को देख रहा है, टावर का पूरा नीचे वाला पार्ट को, बॉटम पार्ट को, यहाँ पे टॉप पार्ट को देख रहा था, यहाँ पे बॉटम पार्ट को देख रहा है, तो यहाँ से वो ऊपर में खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे जैसे ऊपर में देखना है ऐसे उसका लाइन ऑफ साइट, मतलब जो देख रहा है दैट इज द लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे भी देख रहा है दैट इज द लाइन ऑफ साइट। सो द एंगल फॉर्म बाय दैट हियर ऑल्सो द एंगल फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन विथ द लाइन ऑफ साइट, दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ऑल ऑफ यू क्लियर? सो हियर द एंगल फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द लाइन ऑफ साइट इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड हियर ऑल्सो द एंगल फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन बाय द लाइन ऑफ साइट इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। द डिफरेंस इज दैट कि एंगल ऑफ एलिवेशन में हम ऊपर को देखते हैं, कहीं पर भी खड़े होकर हम ऊपर में कुछ भी देखेंगे, ऊपर में एक काउ उड़ रहा है, ऊपर में काइट उड़ रहा है, तो हम नीचे से खड़े होकर ऊपर को देख रहे हैं, तो वहां पे जो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेरा लाइन ऑफ साइट का जो होगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। लेकिन एक हम बिल्डिंग में खड़े हो और हम नीचे देख रहे हैं, एक आदमी को देख रहे हैं, तो वहां पे जो एंगल हमारा फॉर्म होगा वो हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड हियर ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल टू द ग्राउंड। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे हमारे आई से, दैट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। जो यहाँ पे भी हम खड़े हैं उसका ग्राउंड लेवल से वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट। फिर भी मैंने थोड़ा सा नोट बनाया है इसके लिए, जैसे कि तुम लोगों को पता है, नोट मतलब थोड़ा फिर से डिस्क्राइब किए हैं उसको, रिवाइज किए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल फॉर्म, फिर से मैंने दो को अलग अलग किया है। तो व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे देखो हमने दोनों डिफरेंस दिखा, यहाँ पे वो लाइन ऑफ साइट कहाँ पे था, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव में था, ऊपर में था, बट हियर द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म, एंड व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके नीचे होगा, मतलब हम नीचे देखेंगे, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी फॉर्म। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हियर सपोज हियर द आई इज देयर, आई मतलब वो आंख हो सकता है, एक ग्राउंड में एक पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी हम अगर एक आदमी खड़ा है तो उसके आई से वो देखेगा। अगर बोला होगा कि ऊपर यहाँ पे ग्राउंड में एक पॉइंट है सी जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, तो हम पॉइंट सी से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आई, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज ऊपर में एक ऑब्जेक्ट है इसको हमको देख रहे हैं, तो ये आई से ये जो जितना ये हो गया मेरा क्या लाइन ऑफ साइट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट दैट एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ई, एंड हियर एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज डी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सपोज आई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो गया, हम नीचे में देख रहे हैं, नीचे में ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, देन हियर द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी फ्रॉम, यहाँ पे एलिवेशन यहाँ पे हो गया डिप्रेशन। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ हाउ विल वी पुट और यूज दैट ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ओवर दैट लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9.1, एंड एग्जाम्पल्स आर फॉर यू, तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो हम बाद में उसको कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर से जाने से पहले फिर से मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में जो लाइन ऑफ साइट बनता है वहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, और वही हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर नीचे में, मतलब कहीं पर ऊपर से खड़े होकर हम नीचे में देख रहे हैं, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी फॉर्म। ऊपर में देखेंगे तो टॉप को कुछ भी बिल्डिंग का टॉप, टावर का टॉप, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे कहीं कहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा रहता है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा रहता, जस्ट वी हैव टू कंसिडर वेदर इट इज गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बड़ा बड़ा सब क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन को बिट बाई बिट पढ़ेंगे और समझ के पहले फिगर रफ रफ फिगर बना देंगे ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमको प्रूफ करना है,
क्या क्या हमको निकालना है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है ट्रिगोनोमेट्री का। जिसको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पता होगा वो आराम से इसको सॉल्व कर पाएगा, कहाँ पे क्या रिलेशन आता है, बस उसको पता रखना है। ठीक है, बिट बाय बिट जाएंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा सा भी ट्राई करो फिगर बनाने का। यहाँ पे फिगर गिवन था पहले से, 1 नंबर में, ए सर्कल आस इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। सो हियर इज अ वर्टिकल पोल, ए बी इज अ वर्टिकल पोल, ओके, एंड ए रोप इज टाइड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। माने यहाँ पे ए से एक रोप, दिस इज रोप, दिस इज पोल, ये पोल के टॉप से, यहां पे टॉप से एक रोप को बांधा गया है, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको ये फाइंड करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप जो एंगल ग्राउंड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग आराम से पता लगा सकते हो कि एक पोल ऊपर से यहाँ में एक एंगल क्रिएट हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे में होता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता, ऊपर में ऑब्वियसली दैट एंगल इज सेट टू बी, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कहीं पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन है बोल के, हमको पता लगाना है कि ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राउंड से ऊपर तक यहाँ पे एंगल फॉर्म किया गया है, तो दैट एंगल शुड बी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द ए बी, ए बी का हाइट कुछ भी गिवन नहीं था, लेट हमको निकालना है। ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ द ए बी इज एक्स मीटर, ओके, लेंथ ऑफ ए सी दैट इज लेंथ ऑफ रोप इज हाउ मच 20 मीटर दैट इज गिवन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच 30 डिग्री। अभी बहुत ध्यान से देखो ये क्या हो गया, अभी बस छोटा सा सिंपल ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, ये क्या है, सिंस बी इज द राइट एंगल, ऑब्वियसली ये पोल है तो ये ग्राउंड के साथ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा, नाउ इट विल बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल, इतना लिखना नहीं है, हमको पता लगना चाहिए। अभी मुझे बताओ बस, ये अगर बी अगर 90 डिग्री हुआ देन ए सी विल बी द हाइपरटेनस और नॉट, वेरी गुड। सो हियर ए सी विल बी द हाइपरटेनस, ये हो गया मेरा हाइपरटेनस, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा क्या परपेंडिकुलर, ये कहाँ से पता चला, सिंस ये 30 डिग्री इज गिवन ऑब्वियसली दैट विल बी द परपेंडिकुलर, ये सुनो, सो यार हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। अभी मुझे देखो, हमको एक अननोन वैल्यू जब निकालना होता है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बी भी कुछ गिवन नहीं है ग्राउंड, मतलब यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी गिवन नहीं है यहाँ पे, बट गिवन है हाइपोटेनस इज गिवन 20 मीटर, हमको इसका हाइट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा ना, जिसका हाइट गिवन होगा, जिसका हाइट गिवन, जिसका वैल्यू और लेंथ गिवन होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, जिसका लेंथ गिवन होगा एक वैल्यू को लेके ट्राई करेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन था और मैं परपेंडिकुलर, मतलब पी और एच का एक कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, पी और एच कहाँ पे होता है, आइदर साइन में होता है या फिर कॉसेक में होता है। पी और एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, तो वहां से एक वैल्यू यूज कर सकते हैं। अभी तुम लोग पूछे सर हम कॉस थीटा हम क्यों नहीं यूज करेंगे, अच्छा बेटा कॉस एक्स यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस करने से मुझे पहले बेस मिलेगा, फिर हाइपोटेनस बेस मिल गया तो परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इतना क्यों करना है। तो तुम लोग बोले सर टैन थीटा क्यों हमने यूज नहीं किया, टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जब करेंगे, ना मेरे पास परपेंडिकुलर है ना मेरे पास बेस है, तो कोई भी नोन वैल्यू कोई नहीं है, तो हम हमेशा ट्राई क्या करेंगे, एक अननोन वैल्यू के साथ एक नोन वैल्यू को अगर ले लेते हैं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम ले सकते हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं आराम से उसका वैल्यू हम आराम से डायरेक्टली एक स्टेप में ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पे हाइपोटेनस इज गिवन बट परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, तो अगर मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का फॉर्मूला ले लेता हूँ और यहाँ पे एंगल इज ऑल्सो गिवन, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, एसीबी 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, सो वी हैव साइन 30, डायरेक्टली हम कितना पुट करेंगे, साइन ऑफ 30, तो साइन 30 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन 30 का वैल्यू जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो हियर परपेंडिकुलर इज हाउ मच, वी हैव टू मेंशन, ओके, हियर द परपेंडिकुलर इज हाउ मच, ए बी
बाय हाइपोटेनस इज हाउ मच ए सी, तो ए बी बाई ए सी, क्लियर। सो साइन 30, अभी यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है ना, यहाँ पे साइन 30 जो भी एंगल होगा 30, 60, 45 वो सब जो होगा मेरे पास, तो अभी हमको पता है कि कितना वैल्यू होता है, कॉन्टेंट नंबर 2 में हमने अच्छे से पढ़ा था। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है, हमने एक्स लिया था एक्स बाय हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 20, तो 1/2 इक्वल टू एक्स बाय 20, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, देन 2x विल बी 20, देन एक्स विल बी 10 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल विल बी एक्स, दैट इज 10 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्लियर ऑल ऑफ यू? Very simple concept, huh? That is the technique or that is the process to solve any type of questions. All of you clear? Okay, very good. बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पॉज करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मैंने पहला वाला का थोड़ा नॉर्मली समझाया क्योंकि पहला हमने उसको प्रूव किया, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, फिर जाके कुछ करेंगे, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। समझो, पहले जो एक एक सेंटेंस को पढ़ना, कहीं पे जल्दी नहीं है, एक बार सेंटेंस को पढ़ के एक बार में हम जो अगर सब कुछ गिवन लिख लेंगे तो हमारा हो गया, और बाकी 2-3 बार पढ़ रहे होंगे और एक बार में जल्दी जल्दी लिख लेंगे, लेकिन पता चलेगा कि वो रॉन्ग लिख लिया, मतलब फिर से मुझे करना पड़ेगा, तो वो डबल टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन समझ के उसका वैल्यू को हमको पुट करना है, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये था मेरा ट्री, जस्ट वेट, ओके। सो ये था मेरा ट्री, ओके, यहाँ पे था मेरा ट्री, दिख रहा है ना सबको? अभी यहाँ से ये बेंड हो गया, मतलब ये था ऐसे, ये से, तो ये था ट्री, ये देखो ट्री था ना, ये यहाँ से स्ट्रोम से यहाँ से ब्रेक हो गया, मतलब ऐसे हो गया, ये ऐसे तोड़ गया, तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा था, ये ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होके वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड के साथ वो कितना डिग्री एंगल मेक कर रहा है, 30 डिग्री एंगल मेक कर रहा है, समझ में आ गया। तो पहले ग्राउंड ले लेंगे, एक ट्री ले लेंगे, ट्री तोड़ गया, टूट गया पहले, तो यहाँ से टूटा तो ये आके आ गया कहाँ पे, ग्राउंड में आके टच हो गया, और ग्राउंड के साथ वो कितना डिग्री मेक कर लिया, 30 डिग्री मेक कर लिया, ठीक है। वो इतना बड़ा सेंटेंस का मतलब यही था। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री दैट मीन्स बी से जहाँ पे वो टच कर रहा है, जैसे कि मैंने डी यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे बी था, यहाँ पे तो बी डी का लेंथ जो कितना है 8 मीटर। द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड दैट इज डी इज हाउ मच 8 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ए बी। तो यहाँ पे मैंने ए दिया है, यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे डी दिया है, ठीक है। तो ए बी इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो वो सी से ब्रेक किया, सी से ब्रेक किया मतलब वो यहाँ से ए सी का लेंथ जितना होगा वही तो आके नीचे में टच कर रहा है ना, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट हियर ए सी, ए सी का जितना वैल्यू होगा सी डी का भी उतना ही वैल्यू होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट, क्लियर। यहाँ पे ट्री था, यहाँ पे वो टूट गया, तो ये तो सेम रहा, तो ये जितना था ये तो आके टच हो गया, मतलब ए सी का जितना लेंथ होगा सी डी का भी उतना लेंथ होगा, तो लेट द लेंथ ऑफ एस विल बी एक्स, देन ऑब्वियसली सी डी विल बी हाउ मच एक्स और नॉट, क्लियर। और इसका जो बी सी था, बी सी को मैंने कितना ले लिया, वाई ले लिया, और यहाँ पे तो दिस इज गिवन 8 मीटर, क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर लिखेंगे एक एक सेंटेंस करके, यहाँ पे लिखना जरूरी है किसको हम क्या ले रहे हैं, किसको हम कितना डिग्री एंगल मेक कर रहे हैं, सब कुछ लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली गिवन देके लिखने से थोड़ा मार्क कट सकते हैं। तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी ए बी, बहुत ही ध्यान से जितना हमको लिखना है, जितना हमने फिगर में किया है उसी को बस शो करना है, बस और कुछ नहीं है। तो हमने क्या लिखा, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी ए बी, ए बी का जो हाइट ऑफ द ट्री कितना था, ए बी था। ड्यू टू द स्ट्रोम इट ब्रेक्स फ्रॉम द पॉइंट सी, हमने क्या किया, सी से वो ब्रेक कर गया, सच दैट इट्स टॉप ए, ये जो ए था वो टचेस एट डी, वो कहाँ पे टच कर रहा है, ऐसे टूट गया ना, यहाँ पे था ऐसे, ऐसे टूट गया, तो कहाँ पे टच कर रहा है, डी में टच कर रहा है, मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने फिगर्स बना दिया है, ठीक है, क्योंकि फिगर एक ट्राई करना कि एक पेज में ही फिगर करने के लिए, और अगर 2 पेज हो रहा है तो वहाँ पे भी एक फिगर बना देना, ताकि तुम लोगों को मतलब बारंबार पीछे देखना ना पड़े, ठीक है, फिगर इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया y, लेट दिस बी y, तो हम जो जो लिए थे उसको लिख लेते हैं,
ए बी इक्वल टू एक्स, सी डी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू वाई, बी डी द फ्रूट से वो डी का डिस्टेंस कितना 8 मीटर, दैट इज गिवन. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, सो हाइट ऑफ द टोटल ट्री विल बी हाउ मच, ए बी और नॉट, हाइट ऑफ द टोटल ट्री इज हाउ मच, ए बी. सो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से ए सी का लेंथ था एक्स, बी सी का लेंथ था वाई, देन टोटल लेंथ विल बी हाउ मच, बी प्लस सी मीन्स एक्स प्लस वाई, क्लियर. सो इन ट्राइंगल बी सी डी, अभी देखो बी सी डी ट्राइंगल, अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, अभी बी सी डी से हम ट्राई करते हैं कुछ निकालने के लिए. यहाँ पे एंगल इज गिवन हाउ मच, 30 डिग्री. तो हम ट्राई करेंगे क्या, अगर मेरे पास एक्स निकल जाता है, अगर मेरे पास एक्स निकल जाता है तो और y निकल जाता है, एक बार हम x निकाल लेंगे, एक बार हम क्या निकाल लेंगे y निकाल लेंगे, फिर x प्लस वाई कर लेंगे, तो हो जाएगा मेरा काम खत्म, ठीक है. अच्छा तो पहले मैंने क्या लिया, देखो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली मैं पहले परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लिखता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर, ओके, दैट इज बेस एंड दैट इज हाइपोटेनस, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया. अच्छा देखो अभी x एक बार निकालना है, y एक बार निकालना है, तो अगर बेटा हम x निकाल रहे हैं, ये वाला हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, ठीक है, मेरे पास मैंने बोला था एक नोन वैल्यू को लेंगे, नोन वैल्यू कौन है, बेस इज नोन, ठीक है, बेस और हाइपोटेनस लेने से, बेस मेरे पास गिवन है तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, फिर बेस और परपेंडिकुलर ले लेंगे तो बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर हमको मिल जाएगा, पता चल गया. अभी तुम लोग बोले सर अगर हम डायरेक्टली पी बाई एस ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, तो ना मेरे पास पी गिवन है ना मेरे पास एच गिवन है, तो दोनों ही अननोन है, तो कुछ फायदा नहीं होता. कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि एक नोन वैल्यू लेंगे, नोन वैल्यू मतलब यहाँ पे मेरा बेस इज गिवन, तो हाइपोटेनस पहले बेस का साथ लेंगे तो हाइपोटेनस मिल जाएगा, फिर परपेंडिकुलर का साथ लेंगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है. तो पहले हम क्या लेते हैं, बेस और हाइपोटेनस लेते हैं, तो बेस और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस पर हाइपोटेनस आइदर कॉस थीटा या फिर सेक थीटा, तो हमेशा नॉर्मली कॉस थीटा को हम लेते हैं, सेक थीटा लेने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो कॉस 30, तो कॉस 30 विल बी हाउ मच, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस इज हाउ मच बी डी, पहले मेंशन करना पड़ेगा बी डी बाय हाइपोटेनस इज हाउ मच सी डी, ओके, जस्ट पुट द वैल्यू, कॉस 30 विल बी रूट 3/2 इज इक्वल टू बी डी इज हाउ मच 8 एंड सी डी हाइपोटेनस इज हाउ मच एक्स, जस्ट सिंप्लीफाइड रूट 3x इक्वल टू 16, देन एक्स विल बी 6/16/√3, क्लियर ऑल ऑफ यू. एक्स मिल गया ना मेरा, अभी एक्स मिल गया मेरा, अभी वाई में आते हैं, वाई मतलब परपेंडिकुलर में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस इज गिवन, तो अभी हाइपोटेनस भी मिल गया, मैं पी बाई एच भी ले सकता हूँ, तो सिंस बेस इज गिवन फर्स्ट, देन वी हैव टू टेक, यहाँ पे हम पी बाई बीटा एंसर, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेरा एच मिल गया 16/√3 तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी ले सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर भी बेस भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी दोनों ही नोन वैल्यू हमको मिल गया, तो मैंने क्या किया ना, टेन पी बाई बी लिया, मैं टेन थीटा ले लिया, तो हमको पता है टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सिंस द थीटा इज 30 डिग्री, तो टेन 30 इक्वल टू पी बाई बी, पी इज हाउ मच बी सी एंड बी इज हाउ मच बी डी, तो बी सी बाई बी डी, तो टेन 30 विल बी 1/√3, बी सी विल बी हाउ मच, बी सी का वैल्यू कितना है वाई, एंड कहाँ गया, बी सी एंड बी डी इज हाउ मच 8, जस्ट सिंप्लीफाइड, तो √3y इक्वल टू 8, देन वाई विल बी हाउ मच 8/√3, तो देखो बेटा x मिला था मेरा कितना 16/√3 एंड y कितना मिल गया मेरा 8/√3, तो x और y मिल गया, तो ये x जितना मिला ऑब्वियसली ये x भी उतना ही होगा, यही तो तोड़ के यहाँ पे आया था, तो मैंने देखो x भी निकाल दिया y भी निकाल दिया, तो मतलब ये अगर जितना होगा x तो ac भी उतना ही होगा, तो हाइट ऑफ द ट्री इज गिवन बाय x प्लस y, क्योंकि हमको टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालना था, तो x मेरा मिला था कितना 16/√3 प्लस y कितना मिला 8/√3, जस्ट एड इट, तो इट विल बिकम √3 मतलब 24/√3, तो 20 हमेशा हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, कभी भी नीचे में हम रूट नहीं ले रखते हैं, रेशनल नंबर नहीं रखते, इसलिए रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 था, मैंने नीचे में और ऊपर में √3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 × √3 बिकम 3, ऊपर में हो गया 24/√3, इट विल बिकम 8/√3, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8/√3 मीटर, मीटर सेंटीमीटर जो भी गिवन होगा अकॉर्डिंग टू द यूनिट वी हैव टू पुट, क्लियर ऑल ऑफ यू, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ट्रिकी वन, ओके. एक एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग सकता है पहले टाइम के लिए, फिर हम जितना धीरे धीरे करते जाएंगे वो अपने आप ही आराम से होता जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत ध्यान से देखो, ये एक आधा पेज का क्वेश्चन ही हो गया यहाँ पे, लेकिन समझना है हमको क्या क्या गिवन है, ठीक है. पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ के एक बार ट्राई करो फिगर बनाने के लिए, फिर पॉज करके यहाँ पे थोड़ा देखो, फिर कंटिन्यू करना, ठीक है. तो यहाँ पे बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, एक एक सेंटेंस मैंने बोला, जैसे एक एक सेंटेंस को हमको देखना है. कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो, दो यहाँ पे है. देखो पहले तो हमको क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान से इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, तो वो 2 स्लाइड बनाने वाला है. स्लाइड मतलब जो स्लाइड होते हैं ना बच्चे,
उसको बनाने वाले हैं, तो दो बनाने वाले हैं, तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स सी प्रीफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ, तो दोनों एक है वो 5 ईयर्स बिलो 5 ईयर्स के लिए एक बना रहे हैं बिलो द एज 5 ईयर्स, और एक के लिए बना रहे हैं यहाँ पे वेर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, तो एक है 5 ईयर्स के लिए, एक है एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो 5 ईयर्स के लिए सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड उस टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5, तो यहाँ पे एक स्लाइड बना रहे हैं जिसका टॉप मतलब उसका हाइट होना चाहिए कितना होना चाहिए 1.5, तो मैंने यहाँ पे एबीसी एक बना दिया, ये हो गया मेरा स्लाइड, उसका हाइट कितना होना चाहिए उसका 1.5 मीटर होना चाहिए, एंड द इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, इंक्लाइंड मतलब वो जो जो स्लाइड इंक्लाइंड होना चाहिए मतलब एंगल कितना डिग्री एंगल क्रिएट करना चाहिए 30 डिग्री एंगल क्रिएट करना चाहिए टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये हो गया हमारा स्लाइड, ये हो गया हाइट 1.5 मीटर, और वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल मेक कर रहा है 30 डिग्री एंगल मेक कर रहा है, ये हो गया पहला फिगर। एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन यू वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड मतलब थोड़ा ऊंचा वाला स्लाइड बनाना है एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, यहाँ पे उसका हाइट बढ़ा दिया, यहाँ पे बच्चे थे इसलिए 1.5 था, यहाँ पे एल्डर चिल्ड्रन हो गया मतलब थोड़ा बड़ा बच्चे हो गए, तो उसके लिए उनके लिए हाइट कितना हो गया 3 मीटर का हो गया, और उनका जो एंगल होना चाहिए इंक्लाइन एंगल होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए एट एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच द केस, तो हमको पूछा है यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्लाइड दोनों केस में कितना होगा, तो मैं दो केस ले लेता हूँ, पहले का लेंथ ऑफ द स्लाइड हम एक्स ले लेते हैं, दूसरा का हम वाई मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही निकालना, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन पहला में दो स्लाइड हमको बनाना था जहाँ पे कि पहला का हाइट 1.5 था और वो इंक्लाइन करना मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, और दूसरा स्लाइड में इसका हाइट कितना है 3 मीटर, बट यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना की बना है 60 डिग्री की बना है, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी हाइपोटेनस निकालना है, यहाँ पे भी हाइपोटेनस मतलब लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालना है। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर ये 30 अगर थीटा हुआ तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये अगर परपेंडिकुलर हुआ ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस, ठीक है। बेस को मुझे देखना नहीं, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कितना हो गया मेरा हाइपोटेनस, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कौन सा, आइदर साइन या फिर कॉस, तो आई विल प्रीफर साइन थीटा, कोई भी कुछ तुम्हारा मन जो हो सकता है, पहले लिख लेंगे ना, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड बी एक्स मीटर, हाइट ऑफ द स्लाइड बी 1.5 मीटर, एस इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू 1.5, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, देन वी नो दैट साइन 30 इक्वल टू हाउ मच, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय एन, देन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इज हाउ मच, ए बी, हाइट हाइपोटेनस इज सॉरी हाइपोटेनस हाइपोटेनस इज हाउ मच ए सी, सो ए बी बाई ए सी दैट इज 1.5 बाई एक्स, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई एक्स, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड विल गेट एक्स इक्वल टू 3 मीटर लेंथ ऑफ द स्लाइड, यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू 3 मीटर निकला वो क्या हो गया लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन निकल गया। सेम फॉर द एल्डर चिल्ड्रन करेंगे यहाँ पे, लेकिन क्या था यहाँ पे जो हाइट था यहाँ पे 3 मीटर था, और इंक्लाइनेशन जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, इंक्लाइनेशन मतलब जो एंगल जो ग्राउंड के साथ वो मेक कर रहा है वो 60 डिग्री था, तो लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, हाइट इक्वल टू 3 मीटर, क्यू एंगल 90 डिग्री, आर इक्वल टू 60, एंगल ऑफ एलिवेशन 60, वी नो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करते हैं, कॉस थीटा यूज करने से भी हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा बस, लेकिन आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है। ट्राई करके देखना साइन थीटा में जितना निकलेगा आंसर कॉसेक थीटा में भी सेम ही निकलेगा आंसर, कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा, तो वो ऐसा मत सोचना कि हम ऐसा साइन में क्यों लेते हैं कॉस में लेते हैं सेक और कॉसेक में क्यों नहीं लेते, तुम लोग लेके करना आंसर सेम ही निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर लेना, इसको पॉज करके ट्राई कर लेना। लेंथ लिख लिया, साइन 60 इक्वल टू कितना होता है साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हियर द परपेंडिकुलर इज पी क्यू, हाइपोटेनस इज पी आर, तो 3/8, तो रूट 3 बाय साइन 60 रूट 3/2, जस्ट सॉल्व इट विल गेट वाई इक्वल टू 2√3, वाई इक्वल टू 2√3 निकला, लेकिन हमको रूट 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 2 इंटू 1.732 दैट विल बिकम 3.464, देयरफॉर वाई विल बी 3.464 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। सो इन बोथ द केसेस हियर द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन इज 3 मीटर, एंड हियर द फॉर द एल्डर चिल्ड्रन द लेंथ ऑफ द स्लाइड विल बी 3.464 मीटर रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर हम लिख लेंगे बाद में, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट फोकस इट, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ऑलरेडी वो मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे दिया है, एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे एक टावर है, दिस इज द टावर, एक पॉइंट है ग्राउंड में सी जिसका डिस्टेंस वो टावर के फुट से कितना है 30 मीटर है,
और वो कितना डिग्री इंक्लाइनेशन कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, सो हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, किसको, उसके टॉप को, टॉप ऑफ द टावर ए को, वो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से एक जन खड़े होके टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ तो वो पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स, द बी सी विल बी 30, द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ एलिवेशन टू द फुट ऑफ द टावर 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, क्लियर ऑल ऑफ, ओके, सो सब कुछ लिख लेते हैं, बहुत ही फाइन से लिख लेंगे, लेट ए बी बी द टावर ऑफ द हाइट एक्स मीटर, ए बी जो हाइट है वो एक्स मीटर है, एंड सी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट बी सी इज, तो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू दैट पॉइंट इज 30 मीटर, दैट इज ऑल्सो गिवन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज ऑल्सो गिवन ऑफ द टॉप ए फ्रॉम सी, ए सी से ए तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, दैट इज ऑल्सो गिवन, तो यहाँ पे बेटा देखो हमको क्या निकालना है, पहले समझ लो एक्स निकालना है, हमको हाइट निकालना है, मतलब हाइट निकालने के लिए ये मेरा क्या हो गया होता, ये अगर थीटा हुआ ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और 30 मीटर ये क्या हो गया मेरा बेस हो गया, तो मुझे हाइपोटेनस देखना ही नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला किस में आता है, टेन थीटा में आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कौन सा कन्फ्यूजन होना है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा मतलब यहाँ पे डिग्री कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी, सो ए बी बाई बी सी दैट इज एक्स बाई 30, देन टेन 30 इज 1/√3, देन 1/√3 विल बी एक्स बाई 30, देन एक्स विल बी 30/√3, तो मैंने बोला था रूट हम नीचे में नहीं रखते, तो √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट विल बिकम 10√3, देन एक्स विल बी 10√3, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ √3 ओवर हियर, इट विल बिकम 1.732, सो इट विल बिकम एक्स विल बी 17.32 मीटर, सो देयरफॉर hence the height of the tower will be 17.32 meter, clear all of you, very good, coming back to the question number 5 now, okay, this is also one of the, abhi yahan pe sab kuch question alag alag concept mein hai, sab kuch important hai, theek hai, to mark karke rakhna, ek bar practice karna, khud se dekh ke yahan se, fir khud baith ke ek bar practice karna, theek hai, question padho, bahut acha question hai, concept bahut hi simple hai, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, तो हाइट कितना हो गया, पहले तो हाइट एक निकाल लेंगे, ये हाइट हो गया 60 मीटर, यहाँ पे मैंने काइट बनाई है एक पॉइंट ऑफ पी, ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वहाँ से काइट के साथ जो मतलब तार जुड़ा हुआ है वो ग्राउंड के साथ अटैच हुआ है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो कितना इंक्लाइनेशन मतलब कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो 60 डिग्री, ऑब्वियसली तो यहाँ से जो भी खड़ा है वो यहाँ से काइट को देख रहा है, या फिर स्ट्रिंग को जो अटैच हुआ है उसके अंदर, ग्राउंड से स्ट्रिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कितना डिग्री की बने, 60 डिग्री, बस उतना हमको याद है, तो हमारा हाइट हो गया 60, यहाँ से पी से आर पॉइंट तक एक स्ट्रिंग बंधा गया है, एक सूता बंधा गया है जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, बस काम खत्म, ट्राइंगल एक बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बने, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, मतलब हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एक्स, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब वहां पे कुछ ऐसे पूरा सीधा ही है, कुछ ऐसे ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमको एक्स निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है, ये हो गया मेरा हाइपोटेनस पी क्योंकि राइट एंगल का सामने, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो पी बाई एच बहुत ही सिंपल, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा, कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ के आराम से कर सकते हो, फिर भी लिखना तो पड़ेगा हमको, पूरा लिखेंगे, लेट पी पी द पोजिशन ऑफ द काइट ऑफ विच द स्ट्रिंग इज टाइड टू द पॉइंट आर ऑन द ग्राउंड सच दैट पी आर क्यू दैट एंगल इज 60 डिग्री, क्यू इज द पॉइंट जस्ट बिलो पी मतलब इसका हाइट, सो पी क्यू इज गिवन 60 मीटर, हाइट इज नॉट हाइपोटेनस इज नॉट गिवन, लेट द हाइट हाइपोटेनस विल बी एक्स मीटर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब यहाँ से तो ये एक्चुअली काइट यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है, मैंने ऊपर में कर दिया, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हमने ले लिया एक्स, हमको एक्स फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये ट्राइंगल में अभी मुझे ये फाइंड आउट करना, तो नोन वैल्यू कौन है 60, तो पी गिवन है, एच हमको निकालना है, पी बाई एच कौन सा, साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा, तुम लोग का मर्जी, साइन ले सकते हो कॉसेक ले सकते हो, मुझे साइन अच्छा लगता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज हियर इज पी क्यू, हाइपोटेनस इज हाउ मच पी आर, सो साइन 60 इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर, सो पी क्यू इज 60, पी आर इज हाउ मच एक्स, तो साइन 60 इक्वल टू 60 बाई एच, साइन 60 द वैल्यू ऑफ साइन 60 विल बी √3/2 इक्वल टू 60 बाई एच, देन एक्स विल बी 120√3, जस्ट रैशनलाइज इट, इट विल बिकम 40√3, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ √3 और डायरेक्टली इतना भी रख देना से भी चलेगा, सो एक्स विल बी यहाँ पे पुट कर देना, लेकिन √3 का वैल्यू पुट करके
जो पॉइंट वाला वैल्यू लिखना, मैंने यहाँ पे नहीं पुट किया है, एक्स इक्वल टू 40√3, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 40√3 मीटर। क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस। अभी धीरे धीरे जितना हम करते जाएंगे उतना हमको थोड़ा इजीली समझ में आता जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अभी जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, दैट इज द बिल्डिंग, ये वाला एक यू इज द बिल्डिंग, ओके, 30 मीटर बिल्डिंग। तो यहाँ से इसका लेंथ कितना है दिख रहा है ना सबको, ओके। नाउ यहाँ पे जो बिल्डिंग है पूरा बड़ा, ये वाला टोटल देखो मैंने 30 मीटर लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब वो ये है मेरा बच्चा, ठीक है, ये मेरा एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय खड़ा है, ठीक है। इसका इसका हाइट कितना है, 1.5 है, और ये टावर का हाइट कितना है, 30 मीटर। लेकिन वो देख कहाँ से रहा है, यहाँ पे उसका आय कहाँ पे है, यहाँ पे। मैंने बोला था ना आयस, वो जो आय से मतलब उसका आंख से ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन ट्राई करेंगे। तुम लोग जब अगर यहाँ से उसके फुट से कर लेते तो यहाँ पे गलत होता, हाइट यहाँ पे फिगर इज मच मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, यहाँ पे एक टावर था, वो लड़का कहाँ से देख रहा है, उसका आंख से देखेगा ना, उसके पैर से देखेगा थोड़ी, आंख से जो देख रहा है उसके टॉप ऑफ द टावर को, तो आंख से जो दिख रहा है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच, 30 डिग्री, ठीक है। देखो फिर से देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ध्यान से देखो, पहले जहाँ पे वो खड़ा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था। जितना वो पास होते होते जा रहा है, जितना वो पास होते होते जा रहा है, उस कितना से कहाँ तक आ गया, 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे वो आ गया अभी, ठीक है, वो बच्चा अभी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब देख रहा है उस, ऑब्वियसली यहाँ पे जितना जितना हम दूर जाते जाएंगे उसका एंगल कम यहाँ पे था, इतना हो गया। तो जब हम इतना तक आएगा ऑब्वियसली उसका एंगल बढ़ जाएगा, एंगल 30 डिग्री से इंक्रीज हो गया, कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे लड़का खड़ा था, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 30, वो जितना दूर चलता गया यहाँ तक जब पहुँच गया, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। टोटल हाइट ऑफ द टावर कितना था, 30 मीटर। लेकिन हमारा जो हॉराइजेंटल लाइन है कौन सा लेंगे हम, दिस लाइन विल बी द हॉराइजेंटल लाइन, क्योंकि वो उसका आँख से वो देख रहा है, मतलब हम ग्राउंड का नहीं टच करेंगे। तो यहाँ से अगर हो गया मतलब मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना है, ए बी का डिस्टेंस लेना है, जो भी हम ट्राइंगल अभी फॉर्म करेंगे, यहाँ पे जो एक ए डी बी ट्राइंगल हुआ और ए सी बी ट्राइंगल हुआ, हम कहाँ से फॉर्म करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, नीचे से नहीं करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्लियर। क्योंकि वो आंख से देख रहा है, मतलब आंख से ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये टोटल ग्राउंड से इसका हाइट कितना था, उसका बॉय का हाइट कितना था, 1.5 मीटर था। तो ग्राउंड से 1.5 मतलब टोटल हाइट से 1.5 को हटा देते हैं, तो टोटल हाइट था 30 मीटर, वहाँ से 1.5 अगर हटा देंगे तो इट विल बिकम 28.5 मीटर, मतलब ये जो ए बी का लेंथ हो गया 128.5 मीटर हो गया, ठीक है। पहले इतना लिख लेते हैं, लेट ए बॉय 1.5 टॉल बॉय डी पी, उसका जो कितना है डी पी, टू द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए, यहाँ पे वो देख रहे हैं। लेट डी सी बी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, डी सी बी ये जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, व्हेन द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 30, वो इंक्रीज होकर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। सो गिवन क्या क्या गिवन है, देखो ए क्यू द टोटल हाइट ऑफ द टावर इज गिवन 30 मीटर, बट वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, हमको ट्रिगनोमेट्री यूज करना है, मतलब उसका परपेंडिकुलर लेके करेंगे, लेकिन हम टोटल परपेंडिकुलर तो नहीं लेंगे ना, अभी ट्राइंगल हम जो ले रहे हैं इतना तक ले रहे हैं, मतलब इतना हाइट हमको लेना है, therefore the perpendicular is given by AQ, the total height of the tower, minus BQ, मतलब उसका boy का height, तो total था 30 minus 1.5, boy का height, ये अगर 1.5 होगा, मतलब ये भी 1.5 हो गया, तो वहाँ से minus करेंगे तो we'll get the perpendicular of the, or the height of the, that triangle will be how much, 28.5, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, वो क्या पूछा ही फिर, find the distance he walked towards the building, मतलब वो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे अभी पहुँचे, let the distance be x, लेट फ्रॉम डी टू सी, वो यहाँ से इतना तक वॉक किया है, यहाँ से इतना तक वॉक किया है, तो लेट दैट डिस्टेंस विल बी हाउ मच, एक्स, क्लियर। और टोटल डिस्टेंस भी हमको गिवन नहीं था, तो ये जो बाकी डिस्टेंस रहा, यहाँ से जो ये बाकी डिस्टेंस रह गया उसको हमने कितना दे दिया, वाई दे दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, पहले यहाँ पे उसका 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, वो जब चला गया यहाँ पे सी पॉइंट में, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60,
टोटल हाइट था 30, लेकिन वहाँ पे बॉय खड़ा है तो उसका 1.5 हटा देंगे नीचे से, तो इट विल बिकम 28.5। और यहाँ पे उस कितना चला है वो एक्स मीटर चला है, तो उसका जो लेंथ हो गया एक्स, और बाकी जितना यहाँ पे बचा उसको हम ले लेते हैं कितना, वाई, दैट इज गिवन। तो पहले जो जो गिवन है लिख लेते हैं, बी सी इक्वल टू वाई, दैट बी सी इक्वल टू वाई, सी डी विल बी एक्स, बी डी, टोटल बी डी कितना हो जाएगा फिर, एक्स प्लस वाई, क्लियर। अभी अभी दोनों ट्राइंगल से हमको निकालना क्या है, मुझे एक्स निकालना है, कितना वो चला है उतना निकालना है, तो हम एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना टू ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल कितना टू है, एक है ए बी सी ये छोटा वाला, और एक है, देखो एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी ये छोटा वाला, और एक ट्राइंगल है बड़ा वाला, दैट इज ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, बहुत ध्यान से देखना, ये है एक छोटा वाला ट्राइंगल ए सी बी, और एक ट्राइंगल है ए डी बी जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले मैं छोटा ट्राइंगल से, देखो मेरा हाइट गिवन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इज गिवन, तो बेस मुझे मिल जाएगा यहाँ पे वाई मिल जाएगा, फिर ये वाला ट्राइंगल से हमारा परपेंडिकुलर गिवन है, तो मुझे यहाँ पे भी उसका बेस मिल जाएगा, तो अगर वाई मिल जाएगा और टोटल भी मिल जाएगा, तो टोटल से वाई को माइनस करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी पे ले लेते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर मेरा गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां पे परपेंडिकुलर इज गिवन, बट वी हैव टू फाइंड आउट द बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बहुत ध्यान से बहुत सिंपल से करेंगे थीटा। तो यहाँ पे एबीसी के लिए छोटा ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री था, 60 डिग्री, तो टेन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन हो गया फिर, ए बी, नॉट ए क्यू, हम यहाँ पे इतना तक, अभी ये नीचे वाला को भूल जाओ, तुम लोग नीचे वाला को भूल जाओ, हमने वहाँ उसको हटा दिया ऑलरेडी, उसको हमको परपेंडिकुलर कितना ले लिया, हम हाइट हमने 28.5 ले लिया, तो नीचे वाला को देखेंगे नहीं, तो उसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए बी हो गया, बेस कितना हो गया, बी सी हो गया, हम ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया बी सी, तो ए बी बाई बी सी, तो 1060 इक्वल टू रूट 3 इक्वल टू ए बी इज गिवन हाउ मच, 28.5 हमने निकाला था बाई बेस, बेस तो कुछ नहीं है तो वाई रख देते हैं, ठीक है। तो रूट 3 इक्वल टू 28.5 बाई वाई, देन वाई विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, देन 28.5 बाई रूट 3, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3, दैट विल बिकम 28.5 बाई 1.732 एंड दैट विल बिकम 16.45, डायरेक्टली मैंने किया है मतलब कैलकुलेशन करके, तुम लोग रफली करके उसको लिखना, देन वाई यहाँ पे मेरा मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया मेरा कितना, 16.45 मीटर, क्लियर ऑल ऑफ है। मैंने छोटा वाला ट्राइंगल लिया था, वहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा गिवन था ऑलरेडी, मुझे बेस निकालना था वाई और एक्स निकालना था, तो परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा हमने पुट किया, वहाँ से मेरा वाई निकल गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी बी लेंगे, और वहाँ से भी परपेंडिकुलर गिवन है, मेरा बेस निकल जाएगा, मतलब पूरा बी डी निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा, और बी डी निकल जाएगा, तो वहाँ से वाई को माइनस कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए फिगर को एक ही पेपर में करने से इजी रहता है, इसलिए मैंने फिर से फिगर बना दिया, ठीक है। देखो मेरा वाई तक निकल गया था, मुझे अभी बी डी टोटल निकलना था, अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए डी बी, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डी बी, पूरा वाला ट्राइंगल लिया, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मेरा गिवन था, मुझे बेस निकालना था, पूरा बेस निकालना था, देन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए बी इज द परपेंडिकुलर, बेस इज टोटल, अभी टोटल ट्राइंगल लेंगे मतलब बेस कितना हो गया, बी डी, तो ए बी बाई बी डी, तो 1030 एज वी नो 1030 इज 1/√3 इक्वल टू ए बी इज हाउ मच 28.5 बाई बी डी इज हाउ मच, ये टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ, यहाँ से इतना कितना है एक्स, यहाँ से इसका कितना है वाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई हो गया, क्लियर और नॉट, बस हमको बी डी का लेंथ पुट करना था, तो मैंने सी डी का लेंथ है एक्स, बी डी का लेंथ है वाई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस वाई, तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो गया, देन एक्स प्लस फाइव विल बी रूट 3 का वैल्यू पुट करते हैं 1.732, देन देयरफॉर एक्स प्लस वाई विल बी 49.36 मीटर, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। मेरा वाई एक जगह में निकला था ना पिछला में, तो वहां पे मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, यहाँ पे मैंने उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो एज वी हैव वाई इक्वल टू कितना निकला था मेरा 16.45, यहाँ पे जो निकला था प्रीवियस पेज में, तो वाई का वैल्यू मेरा निकला था 16.45, देन एक्स प्लस बस वाई का जगह में पुट कर देते एक्स वैल्यू निकल जाएगा, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 49.36, वेयर एक्स प्लस वाई के जगह में 16.45, देन एक्स प्लस 16.45 इक्वल टू 49.36, देन एक्स विल बी 49.36 माइनस 16.45, जस्ट सब्ट्रैक्टेड विल गेट एक्स इक्वल टू 32.91 सेंटीमीटर मीटर, क्लियर। तो हमने पहले y निकाला, फिर टोटल निकाला, x प्लस वाई निकाला, और x प्लस वाई से y को हटा दिया, तो विल गेट हमारे x, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो x y लेने से क्या होगा ना, हमको नोटेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और वरना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी डी बी सी ऐसे लिख सकते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए x y z ले लेते हैं हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ऑल ऑफ यू क्लियर। अगर नहीं समझ में आएगा तो पॉज करके फिर से देख लेना एक बार,
देख देख के करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको समझना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। बहुत ध्यान से देखो, अभी टावर तो है, एक ट्रांसमिशन टावर है विच इज फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, ये हो गया मेरा बिल्डिंग, ये जो ए बी हो गया, ये हो गया मेरा बिल्डिंग, ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है? ये मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा कितना मीटर है, 20 मीटर है। ये हो गया मेरा ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर, ये बिल्डिंग के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर रहता है ना टावर, ये इसके लिए मैंने इसको रेड में मार्क किया है, ठीक है? ये हो गया बिल्डिंग, उसके ऊपर में ट्रांसमिशन टावर है, तो वो जो बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट, अभी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर आर 45 मीटर। तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से बॉटम तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री, एंड वहां से टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। बहुत ध्यान से देखो, एक ही सेंटेंस में वो सब कुछ लिख दिया, हमको समझना है। पहले तो बोला कि बिल्डिंग एक है 20 मीटर का, मैंने बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, मतलब एक टावर, मतलब उसको फिक्स किया गया, तो ये रेड कलर का वो जो है वो टावर हो गया। अभी बोला है कि एक पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड से बॉटम एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एक बार में लिखा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45, मतलब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45, और यहां से पूरा टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60, मतलब ये छोटा वाला एंगल 45, ये बड़ा वाला एंगल कितना हो गया, 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमको यहां से ये ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है, मतलब इसको हम एक्स ले लेते हैं, सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो जो जो गिवन है हम पहले लिख लेते हैं, लेट एडी बी द ट्रांसमिशन टावर, जहां जो जो हमने लिया उसको लिखते हैं बस। एडी को हमने ट्रांसमिशन टावर लिया था, फिक्स्ड एट ए पॉइंट ए एट द बिल्डिंग बी ए, हमारा बिल्डिंग कौन सा था, बी ए, ऑफ 20 मीटर हाई, और जो बिल्डिंग का जो हाइट है कितना है, 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एंड डी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एंड डी, तो ए का है 45, डी का है कितना, 60, आर द पॉइंट सी फ्रॉम द ग्राउंड आर 45, पहला का है 45 डिग्री, हम एक एक साथ भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैंने लिख लिया, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, तो पहला का है 45, दूसरा का है कितना, ऊपर वाला का है 60 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है अभी, हमको एक्स निकालना है, ठीक है, हमको ये हाइट निकालना है। तो बेटा देखो, यहाँ पे देखो, ये भी कुछ गिवन नहीं था, तो मैंने इसको कितना ले लिया, वाई ले लिया, ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड से इसका बिल्डिंग का फुट तक का डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, वाई ले लिया, ठीक है? तो क्या गिवन है मेरे पास, देखो अभी 20 गिवन है ना, ये 20 गिवन है। पहले मैं कितना ट्राइंगल बना, अभी देखो, एक तो ट्राइंगल बना मेरा ये छोटा वाला जो कि ए बी सी, पहले ट्राइंगल देख लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, तो ए बी सी मिल गया, और एक बड़ा वाला मिल गया, कौन सा, बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल, बी सी डी, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? देखो अभी ट्राइंगल ए बी सी से मुझे ये परपेंडिकुलर, ए बी सी के अनुसार ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ए बी सी के अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया मेरा, बेस हो गया। तो अगर मैं परपेंडिकुलर पे बेस का फॉर्मूला डालूंगा तो मेरे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, और अगर ये वाला वैल्यू आ जाएगा फिर नेक्स्ट ट्राइंगल में भी वो हमको पुट कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, ए सी बी इज 45, डी सी बी 60, ए डी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू हाउ मच, नीचे वाला वाई, ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज हाउ मच, 20 मीटर। सो वी हैव इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी पहले लिखते हैं, परपेंडिकुलर गिवन था, बेस गिवन था, मतलब हमको निकालना था, क्या करेंगे, टेन थीटा, देन टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी। अगर कंटिन्यूसली नहीं कर पाए थोड़ा रेस्ट लेके करो, लेकिन आराम से समझ के करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक साथ नहीं करके कंप्लीट कर देंगे ताकि बैठ जाएंगे पूरा, वैसा भी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा रेस्ट लेके फिर से स्टार्ट करना, ठीक है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी मैं जूम क्लास पे तुम लोगों को समझा दूंगा, फिर भी उससे पहले अगर हम पूरा क्लियर हो जाएंगे तो हमारे लिए बेटर है। तो 10:30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, हमने हमको पता है यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, पूरा फिगर में वो डिपेंड करता है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिगर के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस में क्यों दे रहा हूँ, तुम लोगों को पता चल रहा है।
ए बी परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस कितना हो गया बी सी, ठीक है। अच्छा टेन फोर्टी, यहाँ पे थीटा कितना था, ये छोटा वाला ट्रेंगल के थीटा कितना था 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20 बाई बेस कितना है वाई, तो टेन 45 का वैल्यू मुझे पता है 1, तो 1 इक्वल टू 20 बाई वाई, देन वाई विल बी हाउ मच 20 मीटर, तो वाई का जो वैल्यू मिल गया मुझे अभी, ग्राउंड मिल गया मुझे कितना 20 मीटर मिल गया। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला टोटल बी सी डी, तो इन ट्रायंगल डी सी बी, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे एंगल कौन सा था 60, मुझे परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला देखो, अभी नॉन वैल्यू कौन हो गया बी हो गया ना नॉन वैल्यू, हमको अननोन वैल्यू कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, यहाँ पे ये 20 था, एक्स निकल जाएगा मेरा आराम से, तो मैं क्या करूंगा टेन थीटा, टेन थीटा एज वी नो परपेंडिकुलर बेस, तो टोटल बड़ा ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ मुझे, परपेंडिकुलर इज बी डी, टोटल हाइट इज बी डी बाय बेस इज हाउ मच बी सी दैट इज वाई, तो टोटल हाइट अभी कितना लिखेंगे, यहाँ से इसका हाइट कितना था 20, यहाँ से इसका हाइट कितना था 20, और यहाँ से इसका हाइट कितना था x, तो 20 प्लस x, तो टोटल हाइट कितना हो गया 20 प्लस x, तो बी डी की जगह हमने लिखा x प्लस 20, नीचे में y की जगह हमने लिखा y, मतलब जो ग्राउंड था मेरा y था, तो tan 60 क्योंकि एंगल 60, तो tan 60 इक्वल टू x प्लस 20 बाई वाई, तो यहाँ पे y का वैल्यू बेटा कितना मिला था मेरा 20 मिला था ना, तो 20 तो ये मल्टीप्लाई कर लेते मेरे, तो रूट थ्री निकला टेन 60 का वैल्यू, तो टेन 60 मतलब रूट थ्री, मतलब क्या करेंगे रूट थ्री इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 20, सो एन प्लस वाई, वाई का वैल्यू हमारा कितना निकला 20 निकला था ना, यहाँ पे वाई का वैल्यू 20 पुट कर देते हैं, तो 20 रूट थ्री इक्वल टू एक्स प्लस 20, देन एक्स विल बी 20 रूट थ्री माइनस 20, इसको सॉल्व करेंगे बस, तो एक्स इक्वल टू 20 रूट थ्री माइनस 20, 20 मैंने कॉमन ले लिया तो रूट थ्री माइनस 1, तो 20 कॉमन लेने से रूट थ्री माइनस 1 हो गया, तो रूट थ्री का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1.732 माइनस 1, सो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट एक्स इक्वल टू 14.64 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर विल बी 14.64 मीटर। क्लियर, पहले हमने छोटा ट्रायंगल लिया था, वहां से मेरा ये ग्राउंड वाला निकल गया, अभी ये ग्राउंड निकल गया तो परपेंडिकुलर मतलब पी बाई बी, फिर से परपेंडिकुलर, अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना था मैं बेस बाई हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला यूज करते, कॉस थीटा यूज करते, तो कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है, बहुत ही सिंपल, अगर पी बी जो गिवन होगा उसी से, अगर हाइपोटेन्यूस निकालना होगा बेस गिवन है तो पी बाई एच निकालेंगे, और अगर परपेंडिकुलर गिवन है हाइपोटेन्यूस तो पी बाई एच, अगर परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालना है तो पी बाई बी, तो कहाँ से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है और यूज करना है वो हमको बस जानना है, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, पूरा सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा, क्वेश्चन में गिवन है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यहाँ पे ये जो स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, यहाँ पे ये स्टैचू हो गया, ठीक है, ये हो गया एस स्टैचू, और फिर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब वो जहाँ पे खड़ा है, ये हो गया उसका पेडेस्टल, ए बी जो हो गया वो जहाँ पे खड़ा है, एक स्टैचू जिसके ऊपर खड़ा रहता है, ठीक है, वो होता है उसका पेडेस्टल, मतलब ये स्टैचू है इसके ऊपर यहाँ पे खड़ा है स्टैचू, मतलब ये पेडेस्टल हो गया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना लिया डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यहाँ पे एक एक सेंटेंस में लिखा है टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60, तो यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्टैचू नहीं लिखा है, देखो बॉटम ऑफ द स्टैचू जितना होगा टॉप ऑफ द पेडेस्टल भी उतना होगा, क्योंकि मिक्सिंग पॉइंट उसका जो जॉइनिंग पॉइंट यहीं पे है ना, बी में ही है, तो वो पिछला वाला क्वेश्चन में वो टॉप और बॉटम लिखा था, यहाँ पे वो बोल दिया टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द स्टैचू एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब एंगल बी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब यहाँ पे मुझे ये निकालना है, प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे ये वाला हाइट निकालना था, ये वाला गिवन था, यहाँ पे ये वाला 1.6 मीटर गिवन है, यहाँ पे मुझे एक्स निकालना है, कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सेम, ठीक है, पहले हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेके वाई निकाल लेंगे, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल से ये वाला निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल है, तो लिख लेंगे पहले लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज एक्स, यहाँ पे इसका हाइट जो हमको पूछा है मैंने उसको एक्स ले लिया, हाइट ऑफ द स्टैचू इज बी सी दैट इज 1.6 मीटर, एड इज वाई, इसको कुछ भी गिवन नहीं था, इसको हमने वाई ले लिया, और कहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बी डी ए एंगल था 45, सी डी ए टोटल बड़ा वाला एंगल था 60, तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्स, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला ट्रायंगल, एंगल ए बी डी नियर ले लेते हैं, ए बी डी छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, तो ये वाला में मुझे क्या क्या गिवन है, देखो ए बी डी में ना मुझे एक्स गिवन है, ना मुझे वाई गिवन है, ना मुझे हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो पहले मैं ये दोनों का रिलेशन निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या लेते हैं टेन थीटा, तो देखो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नॉन वैल्यू नहीं है, तो नॉन वैल्यू नहीं है तो पहले हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है,
तो पहले मैंने क्या किया, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हियर इज ए बी, बेस इज हाउ मच ए डी, सो ए बी बाई ए डी, देन टेन यहाँ पे थीटा कितना था 45, देन टेन 45 इक्वल टू एक्स बाई वाई, देन टेन 45 का वैल्यू था 1, देन वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई, देन विल गेट एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू इतना होगा, वाई का वैल्यू भी उतना होगा। इसको रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, इसका वैल्यू कहाँ पे पुट करके कुछ निकल सकता है कि नहीं। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल में आते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में यहाँ पे मुझे ये मिल गया, ठीक है, और ये मुझे निकालना है, तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा, टेन थीटा पुट करते हैं, तो इन अगेन इन ट्रायंगल सी डी ए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा देखो ए सी, तो परपेंडिकुलर है ए सी, बेस इज ए डी, तो ए सी बाय ए डी, तो टेन 60, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिग्री था 60, ये थोड़ा देखना है, यहाँ पे 45 था, पहले में 45 पुट करेंगे लेकिन दूसरा में कितना पुट करेंगे 60, कहीं कहीं पे बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों में सेम से मतलब कन्फ्यूजन होंगे सेम से, लेकिन अगर फिगर हम किए होंगे यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि इसका एंगल 60 डिग्री और ये छोटा के एंगल 45, तो ध्यान से थोड़ा लिखना, बड़ा बड़ा करके लिखना। तो हमें टेन 60 इक्वल टू टोटल हाइट कितना था ए सी, ए सी का यहाँ पे, यहाँ से इसका 1.6, यहाँ पे इसका एक्स, तो टोटल कितना हो गया 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे का बेस कितना था वाई। तो अभी वाई के जगह में हम क्या कर रहे हैं, एक एक ही वेरिएबल में ले आते हैं, वाई का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना वाला मिला था बेटा, एक्स मिला था ना, तो वाई के जगह में हमने कितने पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया, तो रूट थ्री इक्वल टू 1060 वैल्यू हो गया रूट थ्री, तो रूट थ्री विल बी 1.6 प्लस एक्स बाई एक्स, क्योंकि ये वाई के जगह में एक्स पुट कर दिया, जस्ट सिंप्लीफाइड, देन रूट थ्री एक्स इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, देन 1.6 विल बी रूट थ्री माइनस 1 इंटू एक्स, देन सिंप्लीफाइड एंड लास्टली विल गेट 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस 1, एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रूट थ्री विल गेट द परफेक्ट डेसिमल आंसर। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट, पहले छोटा वाला ट्रायंगल का लिए यहाँ पे ग्राउंड दोनों का रिलेशन निकाल दिया एक्स इक्वल टू वाई, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल से दिया गया ना ये वाई के जगह में कितना पुट कर दिया, फ्रॉम 1 वाई के जगह में एक्स पुट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे एक्स ही निकालना था, एक्स के फॉर्म में रख देंगे तो आराम से वो लास्ट में निकल गया। क्लियर, अभी आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में, इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो में छोड़ूंगा वहाँ पे बाकी जितना 16 नंबर तक होगा उसमें कर लेंगे, एक ही में अगर मैं कर लूँगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही लेंदी, यहाँ पे अभी तक 1 आवर का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा, जितना मैं बोल रहा हूँ ना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा नया नया कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, वहाँ पे दो दो क्वेश्चन हमने सेम कॉन्सेप्ट किया, थोड़ा बहुत सेम था, यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट दिया, ये बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे एक बिल्डिंग है एक टावर है, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द सॉरी टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, एंड द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये था 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाया पहले, यहाँ पे एक टावर बनाया, तो सर आपने बिल्डिंग को छोटा टावर को बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंगल था यहाँ पे पहले में 30 डिग्री था और दूसरा में 60, मतलब 30 डिग्री मतलब थोड़ा छोटा होगा एंगल एलिवेशन, मतलब मैंने बिल्डिंग मेरा छोटा रखना पड़ेगा, और अगर हम बिल्डिंग को बड़ा रखते यहाँ पे 30 करते तो वो उल्टा हो जाता पूरा फिगर, ठीक है, तो बिल्डिंग को मैंने छोटा रखा, टावर को मैंने बड़ा रखा, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर इज 30, एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज हाउ मच 60 डिग्री, ठीक है, फिगर एक बार बन गया तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, वो क्या बोले बिल्डिंग से, इफ द टावर इज 50 मीटर और टावर का लेंथ वो दे दिया है कितना 50 मीटर दे दिया है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग वाई का वैल्यू निकालना है, तो ये देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल बन गया, एक बन गया ए बी डी और एक बन गया बी सी डी, तो ए बी डी में ये वाला में बी सी डी में यहाँ पे 50 मीटर बन गया है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन हो गया 50, ऑब्वियसली बेस मिल जाएगा और यही बेस इसी का भी बेस हो गया, तो इसका बेस मिल गया तो इसका परपेंडिकुलर आराम से मिल जाएगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, ये वाला ट्रायंगल था इसका परपेंडिकुलर गिवन था, तो पी बाई बी करके मैं बेस निकाल लूंगा टेन थीटा करके, अगर बेस निकल गया मान लो तो ये वाला ट्रायंगल भी अभी बेस मिल गया होगा और मुझे परपेंडिकुलर निकालना होगा, फिर से टेन थीटा पुट कर लेंगे तो वही निकल जाएगा आराम से। क्लियर, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हमको बस फिगर बनाना है अच्छे से, फिगर अगर हम गलती से उल्टा पुल्टा कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से लिख लेते हैं, लेट सी डी इक्वल टू टावर ऑफ, सी डी इज द टावर ऑफ 50 मीटर, ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ वाई मीटर, कुछ भी वैल्यू नहीं था इसलिए मैंने वाई ले लिया, और इनके अंदर का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया एक्स मीटर, तो लिख लेते हैं सी बी डी इज 60 डिग्री, ए डी बी इज 30 डिग्री, ए बी इज वाई, बी डी इज एक्स, सी डी इज 50, सब कुछ गिवन है, तो पहले मैं सी डी भी ले लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, तो वहाँ पे क्या करेंगे ना, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट बेस,
तो पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा, देन टेन थीटा विल बी पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर इज सी डी, बेस रीच बी डी, तो सी डी बाई बी डी, तो टेन यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 इक्वल टू सी डी जमच 50, बेस इज हम एक्स, तो टेन 60 इक्वल टू 50 बाई एक्स, टेन 60 रूट थ्री, तो रूट थ्री इक्वल टू 50 बाई एक्स, देन एक्स विल बी 50 बाई रूट थ्री, क्लियर। तो यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू एक मिल गया, उसको इक्वेशन नंबर वन देकर रख देते हैं 50 बाई रूट थ्री। अभी आते हैं छोटा वाला ट्रायंगल में, अभी ऑलरेडी मेरे पास बेस मिल गया, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या सेम पी बाई बी हमको यूज करना है। तुम लोग भी पूछो सर हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं ले रहे, तो हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, मेरा बेस मिल गया मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो पी बाई बी फॉर्मूला पुट करो, तो टेन थर्टी इक्वल टू यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर है बेस करते हैं। तो इसके लिए मेंशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सब दो तीन ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, तो कहाँ पे किसका परपेंडिकुलर, कहाँ पे किसका बेस क्या होगा उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस हमने किया, इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया ए बी हो गया, इसका बेस कितना हो गया बी डी हो गया, तो टेन थर्टी यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30, तो टेन थर्टी इक्वल टू वाई बाई एक्स, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर वाई था, बेस था कितना एक्स, तो वन बाई रूट थ्री इक्वल टू एक्स की जगह में हमने एक्स का वैल्यू कितना लिया था यहाँ पे पुट किया था 50 बाई रूट थ्री, तो इन टर्म्स इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू पुट 50 बाई रूट थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो रूट थ्री ऊपर चला गया, तो वन बाई रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री वाई बाई 50, देन क्रॉस मल्टीप्लाई विल गेट 3y इक्वल टू 50, देन y विल बी 50 बाई 3 मीटर, देन y का वैल्यू जो मेरा निकल गया वही तो हमको निकालना था, टावर हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही निकालना था, देन y इक्वल टू 50 बाई 3, अगर हम उसको मिक्स स्ट्रक्चर में करेंगे तो 16 होल 2 बाई 3 मीटर, एंड देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 16 होल 2 बाई 3 मीटर, एंड दैट विल बी अवर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9, डिटेल डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर बिट बाई बिट, ठीक है। इसलिए मैंने बिट डिटेल ही क्यों किया, इसलिए एक घंटा ये वाला वीडियो भी एक घंटा हो गया, क्योंकि नौ क्वेश्चन करने में मुझे एक घंटा लग गया पूरा समझ के करने में, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से समझ के करना ताकि थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे, ठीक है। फिर तो जूम क्लियरिंग क्लास में हम पूरा अच्छे से फिर से मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन तुम लोग अगर पहले से डिस्कस होकर पूरा अच्छे से नोट बना दो तो तब इतना प्रॉब्लम हमको नहीं होगा, ठीक। तो अच्छे से बैठ के करना, थोड़ा टाइम निकालना, अभी छुट्टी चल रहा है तो आराम से एक दो घंटा निकाल के इसको सॉल्व करना आराम से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको 10 से 16 तक, 10 11 12 13 15 16 सबको ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 9 नंबर तक जितना भी है ये तो इंपॉर्टेंट था ही, और बाकी अभी 10 से 16 जितना भी क्वेश्चन होगा वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको ही अपने आप से अलग ही है, तो इसीलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, जस्ट नोट ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड सबमिट इट टू मी, ओके। थैंक यू ऑल।